दोस्तों सोचिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों के बीच से गुजर रही है। एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टान तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां, जिसमें नीचे गिरने का ख्याल ही दिल दहला देती है। तभी अचानक ट्रेन एक ऐसे पुल पर पहुंचती है जो हवा में झूलता हुआ लगता है जैसे अभी टूट जाएगा। ट्रेन को ऐसे मोड़ों पर गुजरना पड़ता है जहां से जरा सी गलती उसे सीधे खाई में गिरा सकती है। अगर आप भी ऐसे खतरनाक सफर के दीवाने हैं और रोमांच का भरपूर अनुभव करना चाहते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाक्रम वो कहानी के विषय में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस एपिसोड में हम आपको 3 ऐसे रेलवे ट्रैक्स के सफर पर ले चलेंगे जो आपको हर कदम पर रोमांच, साहस और अज्ञात खतरों से रूबरू कराएगा। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। दुनिया की इस खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में नंबर 1 है डेविल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर। यह रेल मार्ग इक्वाडोर की सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रेलवे ट्रैकों में से एक है। यह रेलवे ट्रैक एंडीज पर्वत की खतरनाक खड़ी चढ़ाइयों, तीव्र मोड़ों और सकरी घाटियों से होकर गुजरती है। इस ट्रैक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी खड़ी ढलानें हैं, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस ट्रेन यात्रा के दौरान शानदार पर्वतीय दृश्यों, हरे भरे जंगलों और गाँवों का आनंद ले सकते हैं, जो इक्वाडोर की सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भयानक ढलानों और सुरंगों के लिए प्रसिद्ध इस रेलवे ट्रैक निर्माण की घोषणा 1895 में जनरल एलॉय अल्फारो ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद संभालते ही कर दी, जो कोस्टल सिटी गुयाकिल को राजधानी क्विटो से जोड़ने वाली थी। इस बात पर कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों ही पक्षों के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि एंडीज की जटिल पर्वत श्रृंखला पर रेल मार्ग के इस प्रोजेक्ट को करना ही नहीं चाहिए। विरोध और मनोबल गिरने के बावजूद भी जनरल अल्फारो ने कुछ अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स को दुनिया का सबसे कठिन रेल मार्ग बनाने का काम सौंप दिया। सरकार और एक उत्तरी अमेरिकी फर्म के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिससे गुयाकिल क्विटो रेलवे कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी के स्थापना के साथ ही 1899 में रेल मार्ग निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। हाईलैंड्स में ट्रेन रूट बनाना आसान नहीं था। लगातार लैंडस्लाइड, भूकंप, भारी बारिश और जंगली जानवरों, जहरीले सांपों का खतरा बना हुआ था। यहाँ पर काम कर रहे मजदूर मलेरिया, पेचिस तथा येलो फीवर से त्रस्त थे, जिससे काम में काफी दिक्कतें और देरी होती जा रही थी। हालांकि इस रेल मार्ग की सबसे ज्यादा तकनीकी चुनौती एक चट्टानी सतह थी, जिसे डेविल्स नोज, नारिस डेल डियाल्वो तथा शैतान की नाक के नाम से भी जाना जाता है, जो अलौसी और सिबाम्बे के बीच स्थित थी। इस 800 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ने के लिए खड़ी स्विचबैक की एक श्रृंखला बनाई गई, जिससे ट्रेन एक जंक्शन से आगे बढ़ती, फिर अगले सेक्शन से नीचे उतरती और फिर से आगे बढ़ती। इस भारी भरकम ट्रेन को पहाड़ी से नीचे लाने का यही एकमात्र तरीका था। ऐसा कहा जाता है कि शैतान की नाक को शैतान ने शापित कर दिया था। ये कितना सत्य है या मिथक कहा नहीं जा सकता, फिर भी इस कठिन और जटिल नारिस डेल डियाल्वो के हिस्से के निर्माण होने तक बीमारी और खाई में गिरने से 2000 से अधिक मजदूरों की मौतें हो चुकी थी। मारे गए अधिकांश गुलाम मजदूर जमैका से थे, जो अंग्रेजी शासन के अधीन थे, जिन्हें काम पूरा होने के बाद आजाद कर देने का वादा किया गया था। इस काम को 1902 में लगभग 3 साल में पूरा कर लिया गया। 1997 तक यह लाइन बीच बीच में चलती रही। इसी दरमियान लैंडस्लाइड के कारण पटरियां तबाह हो गई, जिस कारण ये रेल मार्ग बंद हो गई। वर्तमान में ये रेल मार्ग अलौसी से सिबाम्बे तक केवल 12 किलोमीटर का हिस्सा ही चालू है, जो पर्यटकों को खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों और डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक पर एक रोमांचक ढलान के बीच ले जाती है। ये रेलवे इंजीनियरिंग की सबसे बेमिसाल उपलब्धियों में से एक है। नंबर 2, डेथ रेलवे थाईलैंड। यह रेलवे लाइन थाईलैंड से बर्मा तक बनाई गई थी, जिसे थाई वर्मा रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस रेलवे का इतिहास खून और आंसुओं से भरा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1942 में जापानियों ने थाईलैंड पर कब्जा कर लिया। उनका लक्ष्य था कि वे अपनी सेना और आपूर्ति को बर्मा और भारत तक जल्द से जल्द पहुंचा सके।
समुद्री रास्ते में मित्र राष्ट्रों की नौसेना का खतरा था, इसलिए जापानी सेना ने एक 415 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने की योजना बनाई। ये रेल मार्ग थाईलैंड के बानपोंग से शुरू होकर बर्मा के थान ब्यूझायत तक जाने वाली थी। रेलवे निर्माण के लिए 60,000 से भी ज्यादा ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई, डच और अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाकर इस निर्माण कार्य में लगा दिया गया। साथ ही साथ 2,00,000 से ज्यादा एशियाई मजदूरों को भी इस काम में झोंक दिया गया था। उन्हें दिन रात 2400 घंटे गुलामों की तरह जाड़ा, गर्मी, बरसात काम करना पड़ रहा था। उन गुलामों व बंदी सैनिकों के लिए ना तो खाने की उचित व्यवस्था थी, ना तो साफ पानी की, मेडिकल सुविधा तो और भी बद से बदतर थी। ऐसे में डेथ रेलवे की सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण एक जगह थी हेल फायर पास, जो एक पहाड़ी रास्ते पर था जिसे काट कर रेलवे लाइन बिछानी थी। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि यहाँ काम करते हुए कई मजदूर और बंदी खाई में गिरकर मारे गए। बिना आधुनिक औजारों के छेनी हथौड़ों से पत्थर को काटते हुए मजदूरों की हालत दयनीय हो जाती थी। रात के समय जब मजदूर मसालों की रोशनी में काम कर रहे होते तो वहाँ का दृश्य किसी नरक से कम नहीं लगता था। मजदूरों की कमजोर हालत, उनकी पीड़ा और मरने की चीख इस इलाके को और भी भयावह बना देती। यहाँ काम करते हुए मजदूर का हर दिन भयानक बीमारियों, मलेरिया, पेचिस और कुपोषण का शिकार होते चले जा रहे थे। जापानी गार्ड्स की निर्दयता इस कदर थी कि जो मजदूर काम करने लायक नहीं रहते उन्हें बिना किसी इलाज के मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इस रेलवे के निर्माण में लगभग 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए, इसलिए इसे डेथ रेलवे कहा जाने लगा। वर्तमान में कंचनावुरी थाईलैंड डेथ रेलवे का केंद्र है। यहाँ एक युद्ध संग्रहालय और स्मारक बनाया गया जो इसके दर्दनाक इतिहास को दर्शाता है। नंबर 3, ट्रेन टू द डार्कनेस बोलीविया। बोलीविया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सुनसान निर्जन स्थानों में छिपी एक ऐसी ट्रेन है जिसे ट्रेन टू द डार्कनेस कहा जाता है। यह ट्रेन न केवल अपने नाम से बल्कि अपने इतिहास से भी रहस्य और डर की कहानियों से भरी है। इसकी यात्रा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां अंधेरे में खो जाने का एहसास डरा देता है। दरअसल इस रेलमार्ग का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, जब बोलीविया में माइनिंग इंडस्ट्री का बोलबाला था। यह ट्रेन मुख्य रूप से खनिज और मजदूरों को बोलीविया के खदानों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। उस समय बोलीविया के खदानें दुनिया की सबसे गहरी और खतरनाक मानी जाती थी। यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। उनके लिए यह ट्रेन अंधेरे और दर्द की यात्रा बन गई थी। कई श्रमिक इस ट्रेन से खदानों तक पहुंचते तो थे, लेकिन वापस लौटने में नाकाम रहते। खतरनाक काम और अमानवीय हालातों के चलते सैकड़ों लोग इस खदानों में मारे गए और धीरे धीरे ये ट्रेन डर और अंधकार का प्रतीक बनता चला गया। ये ट्रेन रूट बोलीविया के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और अंधेरी सुरंग इस गुफा को और भी डरावना बनाती है। समय के साथ ट्रेन टू द डार्कनेस के बारे में कई स्थापित कहानियां भी फैलने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेन की सुरंगों में काम करने वाले कई श्रमिकों की आत्माएं आज भी भटकती है। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने सुरंगों में अजीब अजीब आवाजें सुनी, जैसे कि किसी चीख या रोने की आवाजें। इसके अलावा कई लोगों ने ट्रेन के आसपास धुंधली परछाइयों को देखने का दावा भी किया। ट्रेन टू द डार्कनेस बोलीविया की एक अनोखी और रहस्यमयी ट्रेन है, जो अपने साथ अंधकार, मौत और रहस्य की कहानियां लेकर चलती है। आज यह ट्रेन भले ही अपनी मूल सेवा में नहीं है, लेकिन इसके भयानक इतिहास और रहस्यमय घटनाओं ने इसे एक डरावने प्रतीक के रूप में जिंदा रखा है। यदि आप कभी बोलीविया जाए तो इस ट्रेन के इतिहास और इसके पीछे छिपे रहस्यों को जानने का मौका ना चुके। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।